आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम प्रेगनेंसी में कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं, वो कैसे खाने हैं, कितनी मात्रा में खाने हैं और कौन से फ्रूट्स हमें अवॉइड करने हैं। तो आज इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे पास मालविका जी आई हैं। मालविका जी क्लिनिकल डाइटिशियन है और वो 16 ईयर्स से ये क्षेत्र में कार्यरत है। तो मालविका जी, मुझे आपसे ये पहला प्रश्न पूछना है कि कौन से फ्रूट्स प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए? प्रेगनेंसी में जैसे आपने बोला कि कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, तो उसमें जनरली हम बोलते हैं कि पपया जो है, अगर वो पका हुआ नहीं है, अगर रॉ पपया का सेवन करते हैं तो उसमें काइमोपेपिन करके एक घटक होता है जो अबॉटिक एजेंट माना जाता है। तो रॉ पपई अवॉइड करना है कम्प्लीटली, और पपया के अगर सीड्स कुछ ज़्यादा मात्रा से गए पेट में तो उससे तकलीफ बढ़ती है। पर अगर पका हुआ पपया हम लेते हैं जो राइप फ्रूट है, तो उसका सेवन आहार में करना चाहिए। उससे विटामिन ए और विटामिन सी मिलता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर पपया हम कट करते हैं तो उसके बड़े बड़े पीसेस बनाने चाहिए, ऊपर का जो स्किन है वो रिमूव करके देना चाहिए। तो पपया इज लेकिन ये सेफ। पपया के बारे में आपने जो बताया कि कच्चा पपया नहीं खाना चाहिए क्योंकि कच्चा पपे में जो घटक होता है वो अबॉर्टिफिशेंट है, लेकिन मालविका जी, हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि जब पेशेंट को बचन नहीं चाहिए तो वो पहले ही ये सारे ऑप्शन करके आता है, पहले ही सारी पपया खा के आता है। लेकिन जो पपया कच्चा रहता है वो तो हम खा ही नहीं सकते, तो पपई ऐसे ही बदनाम हो गई है, ऐसे मेरा कहना है। और पपया जो पका हुआ पपया है वो तो इट्स अ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, एज यू सेड, कि उसमें विटामिन विटामिन्स ए और की सी रहता है। बहुत ही बढ़िया मात्रा रहती है। तो पपाया खाना इज वेरी वेरी हेल्दी बेनिफिशियल, इन द प्रेगनेंसी। यस। ये ऐसे बताया जाता है कि पाइनएप्पल खाने से भी बेबी को तकलीफ होती है, बनाना खाने से बेबी को तकलीफ होती है, कीवी खाने को बेबी को तकलीफ होती है। इस पे आपकी क्या राय है? ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सही मात्रा में लेने ही चाहिए। और जैसे आम खाने से वो थोड़ा सा उष्ण होता है, ऐसे ऐसे बोला जाता है। पर अगर आम का उपयोग उस स्पेसिफिक सीजन में हम दूध के साथ करेंगे, जैसे मिल्क शेक बनाया, ऐसे कुछ प्रिपरेशन बना के करेंगे, तो डेफिनेटली वो हेल्दी है। और एक चीज़ है, सपोज आम हम लेते हैं, आम खाते हैं तो उसमें घी डाल के खाते हैं, तो वो फिर से बलवर्धक होता है। और पाइनएप्पल और बनाना के बारे में बिल्कुल मिथ्स है। जो सीजनल फ्रूट्स है अगर वो स्पेसिफिक सीजन में आता है तो वो लेना ही चाहिए, उससे कुछ तकलीफ नहीं बढ़ेगी। उसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स की, वाटर की मात्रा, पानी की भी मात्रा ज़्यादा रहती है। तो कौन सा भी फ्रूट आप सही सीजन में मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं तो ये एकदम हेल्दी ऑप्शन प्रेगनेंसी में रहता है। तो हमेशा पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि वो हमें कैसे खाने चाहिए, पूरा खाना चाहिए या कटा हुआ हुआ खाना चाहिए, या छिलका निकाल के खाना चाहिए, या जूस बना के खाना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है? फ्रूट्स अगर हम लेते हैं, सेवन करते हैं, तो उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है और विटामिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगर उसको हम कट करेंगे और अगर उसके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे और उसका अगर जूस क्रश बनाया, करेंगे, क्रश हाँ करेंगे, जितना प्रोसेसिंग करेंगे उतना उसमें जो विटामिन्स रहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है विटामिन सी का, तो न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। होता है। तो फल खाते समय पहले उसको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि फ्रूट्स में पेस्टिसाइड्स रहते हैं। तो मैं हमेशा वही कहूंगी कि अगर फ्रूट्स आप लाते हैं तो पहले पानी में थोड़ी देर के लिए, सपोज ग्रेप्स का अभी सीजन है तो ग्रेप्स मानो आपने लाए तो वो पानी में थोड़ी देर भिगो के रखना चाहिए, उसको अच्छे से वॉश करना उस चाहिए। पे व्हाइट कोटिंग जो है वो एग्जैक्टली, पूरा निकाल देना चाहिए कि वो पेस्टिसाइड्स हाँ, रहते जैसे हैं। बनाना भी बड़े वाले बनाना मिलते हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि थोड़े हाइब्रिड फ्रूट्स मिलते हैं और पूरी साल भर में हर एक फ्रूट अवेलेबल है, तो सीजन में जो फ्रूट आता है आइडियली वो फ्रूट ही लेना लेना चाहिए। चाहिए। और उसमें हाइजीन अगर हम मेंटेन करते हैं, क्लीनिंग रखते हैं, वॉशिंग रखते हैं, और जब कट करेंगे फ्रूट तो उसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस पीसेस करके अगर करेंगे खाते हैं तो वो गुणकारी होता है। और वो जो फ्रूट हम छिलके के साथ खा सकते हैं
उससे फाइबर भी मिलता है। तो प्रीफरेबली वैसे छिलके के साथ खाना, समझो ऑरेंजेस हम बोलते हैं, स्वीट लाइम मौसम्बी लेते हैं, तो उसका ऊपर का छिलका निकाल के अंदर के जो पतले वाले छिलके रहते हैं उसके साथ उसका सेवन किया तो हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और जैसे आपने बोला कि फ्रूट जूसेस भी नहीं लेना चाहिए, उसमें एडेड शुगर रहता है। कभी कभी बाहर होटल में या बाहर कहाँ 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 भी आप जाते हैं तो फ्रूट जूस प्रेफर करते हैं, पर उसमें न्यूट्रिएंट लॉस रहता है, क्योंकि एक फल खाएंगे तो उसमें एडिशनल फाइबर और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जूस बनाने के लिए 8 या 10 फल का उपयोग करना पड़ता है, तभी एक 200 ml का जूस मिलता है, तो उसे न्यूट्रिएंट लॉस भी होता है। तो प्रेफर एक वन फ्रूट, होल फ्रूट यू शुड हैव। मालविका जी, ये हमें बताइए कि ये फ्रूट्स खाना सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये फ्रूट्स की मात्रा, फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए, कितनी बार दिन में फ्रूट्स खाना चाहिए? आइडियली दिन में 2 या 3 सर्विंग्स तो फ्रूट के रहने ही चाहिए, पर उसके लिए मैं ऐसा बोलूँगी पहले यू मेक इट अवेलेबल, क्योंकि अगर घर में अवेलेबल नहीं है, हम वो ला के रखते नहीं है, किचन में अवेलेबल नहीं है, तो वो हम आहार में उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो वो जैसे आप डायरी लिखते हैं वैसे मेन्यू प्लान करके वो अवेलेबल करना चाहिए, और जहाँ से खरीदते हैं वो भी ज़रूरी है कि कहाँ से आप फ्रूट्स खरीदते हैं और उसकी मात्रा उस अनुसार हम ले सकते हैं। मालविका जी, ये कोकोनट वाटर में, वाटर के बारे में भी पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि कोकोनट वाटर हमें रोज देना चाहिए या नहीं, वो लेना है तो कितना लेना है और कितनी बार देना है? कोकोनट वाटर का सेवन रोज करना ही चाहिए, उसमें पोटेशियम रहता है जो मिनरल है जो इम्पॉर्टेंट है, और कोकोनट वाटर इट्स अ डायूरेटिक, तो वो भी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि डिहाइड्रेशन चांसेस रहते हैं, तो कोकोनट पानी वाटर, में शरीर की मात्रा कम हो जाती है, पेशाब कम होती है, तो उसके लिए यस, अगर कॉन्स्टिपेशन है, कुछ तकलीफ और है, तो कोकोनट वाटर का सेवन करना ही चाहिए। पर और एक बात ऐसा है कि कभी कभी कोकोनट वाटर फ्रेश मिलता नहीं है, तो उस जगह कभी कभी पाउडर्ड फॉर्म जैसे इलेक्ट्रॉल सैशेज जैसे वैसे सैशेज भी अवेलेबल है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रेश कोकोनट वाटर को ही प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। रोज एक कोकोनट वाटर लिया तो उससे बहुत ही अच्छा मतलब बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बुजुर्गों में कोकोनट वाटर के बारे में एक मिथ है। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि कोकोनट वाटर अगर लिया कोकोनट का जो शेप है उस जैसा बड़ा हेड बच्चे का हो जाएगा, पर ये कंप्लीटली मिथ है। बच्चे का सिर कोकोनट इतना बड़ा हो जाएगा और डिलीवरी में दिक्कत करेगा और सिजेरियन डिलीवरी कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मिथ मैंने है। ऐसे ही सुना है कि कोकोनट वाटर पीने से कफ और कोल्ड हो गया, मतलब वो ठंडा रहता है और उसकी वजह से बच्चे को और माँ को भी सर्दी हो सकती है बाद में, पर ऐसे भी ऐसा भी कम्प्लीटली नहीं होता है, क्योंकि साइंटिफिक उसका रीजन जो कफ और कोल्ड का रहता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ये वायरल इन्फेक्शन वायरस की वजह से कफ और कोल्ड होता है, ये ना ठंडा पीने से होता है या कोकोनट वाटर पीने से होता है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी में सारे फ्रूट्स सेफ होते हैं, हेल्दी होते हैं, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, और कौन से फ्रूट कैसे खाने हैं ये भी हमें मालविका जी ने बता दिया। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन के लिए मालविका जी आई, धन्यवाद मालविका जी। और इस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ सवाल है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन सिम्टम रहता है, और ये कॉमन सिम्टम हमें डाइट के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।